निर्मला जी जब यहाँ आई थी तो सबसे इतने अच्छे से मिलकर गई, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई? वो हमारा हाल पूछने नहीं आई थी, ललिता से अगली चाल जानना चाह रही थी। मिट्टी में मिल जाएंगे हम, लेकिन आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपकी बेटी शालू की जिंदगी में एक सुबह आने वाली है, एक ऐसी काली सुबह जो उसकी जिंदगी में उजाला नहीं अंधेरा लेकर आएगी। मेरी मॉम और निर्मला आंटी वैष्णो देवी में मिले थे, फिर दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्होंने मॉम से साफ साफ कह दिया कि रोशनी जब भी मुजफ्फरपुर आएगी तो हमारे घर पर ही आएगी और कहीं नहीं। हम जानते हैं कि आप लोग को घर की कीमत भी जानते हैं और कदर भी, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया नीलामी के लिए। हम चाहते हैं नीलामी शुरू होने से पहले आप ये स्वीट और सिंपल घर की झलक देख लीजिए। लकी, तो ये रहा घर का एक्सटीरियर, बाहर से सिंपल और अंदर से ब्यूटीफुल। और ये है घर का लिविंग रूम, बिग एंड ब्यूटीफुल। और ये है किचन और ये बाकी के रूम्स। तो ये पूरा घर आपको फुल्ली फर्निश्ड कंडीशन में ही मिलेगा। आई एम श्योर आप लोगों को घर पसंद आया होगा। नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको इस घर की हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। ये घर किसी ने अपनी छोड़ी हुई औरत और उसके बच्चों के लिए लिया था, वो भी अपनी बीवी को बताए बगैर। पर हालात के मारे उन लोगों का ठिकाना बदल चुका है, तो नीलामी सिर्फ घर की नहीं है, कुछ अधूरे सपनों की भी है। तो शुरू करें। स्टार्टिंग प्राइस है 20 लाख रुपए। 21 लाख। बाईस लाख पचास हजार। अरे ये आप लोगों को क्या हो गया है? आप किसी का घर नहीं, किसी का सपना खरीद रहे हैं। 30 लाख। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? एंड आई थिंक आपको यहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया है, राइट? कमाल करती है मैडम जी, आप किसी के सपनों की नीलामी कर रही हैं और खरीदने के लिए साहूकारों को बुला रखा है। वैसे मेरा नाम राजन सिन्हा है, इसके पहले भी मैंने शांति निवास को देखा है और मुझे सपनों की सही कीमत लगानी भी आती है। सो मिस्टर राजन, मैं जान सकती हूँ कि आपको शांति निवास में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और वो भी 30 लाख में? क्योंकि वो घर मेरी माँ को पसंद आ गया है और माँ की पसंद के आगे कीमत नहीं देखी जाती। ये घर बहुत लोगों की माँ को पसंद आया था, लेकिन सबकी हैसियत नहीं इतनी बोली लगाने की। एंड आई एम श्योर ये जो लोग बोली लगा रहे हैं वो 30 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी बोली 30 लाख से शुरू होनी चाहिए, फिर देखते हैं कि किसकी मां ने कितने लायक बेटे पैदा किए। तो ठीक है, आप लोगों में से कोई 30 लाख से ऊपर बोली लगाना चाहता है? सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। और आप? नॉट एट ऑल, सॉरी।
मुझे पता था कि इतनी कीमत कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सपनों की सही कीमत दीवाने ही लगा सकते हैं। ये लीजिए 30 लाख का चेक, आप पेपर रेडी कराइए। लकी, ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए, पेपर रेडी होते ही मुझे खबर कर दीजिएगा। वकील साहब, पेपर रेडी करा दीजिए। चलता हूँ। थैंक यू। कुछ लोग ललिता निवास पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे। और अफसोस है कि वो शांति निवास को नीलाम होने से भी नहीं बचा सके। अम्मा, हमें भी यहां से चलना चाहिए। रुके मिश्रा जी, जहां इतना तमाशा देखा, थोड़ा सा और देख लीजिए। ललिता जी, हमारे लिए शांति निवास वही है जहां पे शांति देवी है। ये घर जिसकी आपने नीलामी की है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक ईंट पत्थर का मकान है। और वैसे हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। याद है जब आपने हमसे धोखे से ये घर छीना था, तो आपने हमसे क्या कहा था? यही ना कि आज से ये शांति निवास नहीं, बिंदु निवास है। यानी आपकी माँ का घर। आज के बाद ये घर शांति देवी का नहीं है, बिंदु विश्वास का है। तो आज आपने जिस घर की नीलामी करी है, वो हमारी माता जी का घर नहीं, आपकी अपनी माँ का घर है। आपने ललिता जी अपनी माँ के घर की नीलामी कर दी। पांडे जी, हेलो। हेलो। अरे हम इतना बार बोल चुके हैं आपको, हैं? कि हमको ऐसे फोन करके चिकोटी काटना बंद कीजिए, और इस समझ लीजिए कि हम लौट कर नहीं आने वाले। अरे हम कुछ और बात करने के लिए फोन किए थे, आप सुनिए तो सही। का सुने? अरे आप ही सुनिए अपना बेटा बहू का, और अपना बेइज्जती करा के रोटी तोड़ते रहिए। का कथा पुराण लेके बैठ गई आप? अरे हम आपको कोप भवन से उठाने के लिए फोन नहीं किए हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। नहीं, मिलने आई है तो वो कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। हमने बुलाया? हाँ। किसको बुलाया है? अरे आंटी, मैं रोशनी। अरे रोशनी, तुम हो का? आ गई तुम। अरे आंटी, मैं तो पहुंच गई, लेकिन आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अरे बिटिया, का बताएं, ये तो घर घर का कहानी है। बेटा का जब शादी हो जाता है ना, तो जोरू का गुलाम हो जाता है, तो फिर वहाँ कोई घर छोड़ना पड़ता है। खैर तुम छोड़ो ये सब, तुम जरा पांडे जी को फोन दो। जी हाँ। ये हमारी सहेली की बेटी है, कलकत्ता से आई है, हम ही इसको बुलाए हैं। अगर आपका बेटा बहू इजाजत दे तो इसको घर में रहने दीजिएगा, कुछ दिन यहाँ रह के पढ़ाई करेगी,
हम इसकी माँ भवानी से वादा किए थे कि हम इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे मुजफ्फरपुर में, इसलिए अगर आपका बेटा बहू को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अपने घर में रहने दीजिए। लो हो गया फैसला, रोशनी जी यहाँ रहेगी। हम आपका कमरा रेडी कर लेते हैं। रियली हाउ स्वीट, थैंक यू। मेहनत करके गरीब अपना पेट पालना जानते हैं, और हमारा घर तो आपने धोखे से लिया है। वरना कभी आपने देखा है किसी गरीब के घर की नीलामी होते हुए? नीलामी होती है अमीरों के घर की, उनके सामान की, गरीबों की नहीं। ये कपड़े कहाँ से लाए हो? एनजीओ के कपड़े हैं, वो लोग गरीबों में बांटते हैं। आपको कोई दिक्कत है? जिनके खुद के खाने पीने का ठिकाना नहीं, वो गरीबों को हेल्प करने चले। वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे कपड़े तुम अपने लिए लेकर आई हो? क्योंकि तुम लोगों से ज्यादा गरीब तो और कोई है ही नहीं यहाँ। इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं ललिता जी, हम तो फिर भी कपड़े मांग कर लाए। कुछ लोगों ने तो हमारे सिलाई सेंटर से कपड़े चोरी करवा लिए। सड़क पे भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन तेवर नहीं गए अभी तक। रहने दो बुलबुल, जिन लोगों को खुद घर का मतलब ना ही मालूम है, जानते हैं तो केवल गरीबों का मजाक उड़ाना, ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है बेटिया। ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। चलो अंदर। रंजू मिश्रा, अभी तो सिर्फ तुम्हारा घर नीलाम किया, आगे एक ऐसा दिन लेकर आएंगे ना कि तुम सबकी नीलामी होगी, बोलियां लगेगी और कोई दो कौड़ी का भाव भी नहीं देगा। ललिता जी, ऐसा लगता है कि आपने कभी किसी गरीब को ध्यान से ना ही देखा है। मेहनत करके गरीब अपना पेट पालना जानते हैं, और हमारा घर तो आपने धोखे से लिया है। वरना कभी आपने देखा है किसी गरीब के घर की नीलामी होते हुए? नीलामी होती है अमीरों के घर की, उनके सामान की, गरीबों की नहीं। ललिता जी, अभी भी समय है, औरों के लिए गड्ढा खोदना बंद करिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाए। चलो अंदर। रंजू मिश्रा, इंतजार, बस थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारे लिए हम खड्डा नहीं, ऐसी खाई खोद रहे हैं जहां से तुम और तुम्हारी बेटियां बहुत सुकून से समाधि ले सकेगी। जी मेहता जी, हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, हम आपसे मिल लेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।
क्या कह रहे थे मेहता जी? मेहता जी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में घर पे जो परेशानी हुई है उसका असर हमारे काम पे भी पड़ा है शाहरुख जी, और हम टारगेट डेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि हम उनसे मिलके क्या बात करेंगे। पर विशेष जी बात तो करनी पड़ेगी ना, आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि हम आप उन्हें ऐसे कहिए ना कि इस बचे हुए वक्त में हम गैप कवर कर लेंगे। शाहरुख जी एक काम करते हैं, हम अकेले नहीं जाते हैं, आप चलिए ना हमारे साथ। देखिए आप हमसे बेटर समझा पाएंगे। नहीं हम सच कह रहे हैं, और वैसे भी आजकल हम आपके बिना कहीं जाने के लायक हैं। जानते हैं विशेष जी, हम भी नहीं चाहते कि आप इस हालत में कहीं जाएं, पर आपको याद है ना हमने माँ जी से क्या वादा किया, और उस वादे को हम दोनों ने निभाना है। अच्छा कम से कम हमारा ऑफिस बैग रेडी करने में हेल्प तो कर देंगे हमारी? हाँ उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। बात तो सही कही आपने, फिर किस बात का? सॉरी मैं तो बस पानी लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा, गॉड प्रॉमिस। वेल तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो ना, इसलिए इतना प्यार छलकता रहता है पूरे घर में। अच्छा विशेष जी आप रूम में जाइए, हम बस ये काम निपटा के आते हैं। सॉरी बट मैंने गलती से तुम लोगों की बातें सुन ली। अगर तुम लोग किसी मीटिंग में जाना चाहते हो तो आराम से जाओ, कुकिंग मैं कर लूंगी। बस मुझे ये बता देना कि क्या क्या बनाना है। नहीं नहीं आप कैसे, वो तो शालू आई एम अ वेरी गुड कुक, और इनफैक्ट मैंने तो कुकिंग कॉम्पिटिशन भी जीता हुआ है। तुम लोग आराम से जाओ अपनी मीटिंग करो, कुकिंग मैं कर लूंगी। नहीं रोशनी आप हमारी मेहमान है, आप घर का काम करेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। शालू मैं वो फिल्मों वाली मेहमान नहीं हूँ जो दूसरों के घर में आराम फरमाने जाती हो। तुम लोग आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, प्रॉमिस। बुटुआ अम्मा लाओ सरसों के तेल से तुम्हारी मालिश कर दे, गर्मी से खून का बहाव तेज होगा और फिर। अरे अम्मा काहे परेशान हो रही है, हम दवाई ले रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे काहे जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। अरे तुम जब छोटे थे ना तो हम 3 बार मालिश करते थे, तुम और बच्चों से पहले चलने लगे थे, आज भी हम वैसी ही मालिश करेंगे और फिर तुम पहले की तरह चलने फिरने लगोगे। हम समझते हैं, लेकिन तू हमारी मालिश करेगी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तो वैसे भी अब बड़े हो गए हम। बुटवा माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, हाँ उम्र ढलने पर माँ की देह जरूर कमजोर हो जाती है लेकिन ममता और मजबूत हो जाती है। दादी किसने कहा कि आप कमजोर हो गई है, आप ही कहती है ना कि हम सब आपकी ताकत है। लाइए आज मिश्रा जी की मालिश हम करेंगे। दादी देखना हम इनकी मालिश करके इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें फुटबॉल भी तो सीखना है इनसे, है ना मिश्रा जी? अच्छा तो फुटबॉल सीखने के चक्कर में तुम इनकी मालिश करोगी, मतलबी कहीं की तुम रहन दो हम कर लेंगे मालिश। नहीं दीदी हम करेंगे, हमने कहा ना हम कर लेंगे। नहीं दीदी प्लीज हम करेंगे। नहीं पहले हम तुम बात। नहीं प्लीज नहीं, नहीं हम अरे रुको झगड़ा करने लगी, एक काम करो एक जना हाथ की मालिश कर दे और दूसरा पैर की, ठीक है? ठीक है आओ। अगर तुम सब हमें सच्चे दिल से माफ कर दोगे और हमें मिश्रा जी के बजाय पिताजी कहोगे तो हम सच में ठीक हो जाएंगे।
कर देना। तुम सब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो और आज तक हमने कभी तुम लोगों के लिए अगर तुम सब हमें सच्चे दिल से माफ कर दोगे और हमें मिस राजीव के बजाय पिताजी कहोगे तो हम सच में ठीक हो जाएंगे। हमारी बिटिया ने अपनी आधी जिंदगी तो बिना पिता के सहारे के ही गुजार दी और आज मिश्रा जी चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। इसमें तो बहुत समय जाएगा, ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा। पहली बार रंजू मिश्रा को अपनी जिंदगी में रोशनी दिखाई दी है। उसकी जिंदगी की ट्यूबलाइट हमने बंद नहीं कर दी ना तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने। रंजू मिश्रा अपनी बेटियों के साथ तैयार हो जा ललिता मिश्रा का सबसे खतरनाक रूप देखने के लिए। पहली बार रंजू मिश्रा को अपनी जिंदगी में रोशनी दिखाई दी है। उसकी जिंदगी की ट्यूबलाइट हमने बंद नहीं कर दी ना तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने। रंजू मिश्रा अपनी बेटियों के साथ तैयार हो जा ललिता मिश्रा का सबसे खतरनाक रूप देखने के लिए। पहली बार रंजू मिश्रा को अपनी जिंदगी में रोशनी दिखाई दी है। उसकी जिंदगी की ट्यूबलाइट हमने बंद नहीं कर दी ना तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने। रंजू मिश्रा अपनी बेटियों के साथ तैयार हो जा ललिता मिश्रा का सबसे खतरनाक रूप देखने के लिए।